हेलो एवरीवन, आज से मैं क्यू एन ए सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 10 कमेंट लूँगा, उसका एक ऑनेस्ट रिप्लाई करूँगा। एक मैसेज में रिप्लाई करना, एक खुद से बता देना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं डेली बेसिस पे 10 कमेंट लूँगा, उसके अपने साइड से जो बेस्ट होगा सॉल्यूशन मैं ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने का, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज रहते हैं और कमेंट सेक्शन में रहते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना क्यू एन ए सेक्शन चलाऊँ, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 10 कमेंट का रिप्लाई करूँ। जिसका आज सॉल्व हो गया सही है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्व हो जाएगा, बट तुम्हारा सॉल्व होगा, इससे एक अच्छा इंटरेक्शन भी बना रहेगा और शायद इससे मैक्सिमम बच्चे का हेल्प भी होगा। चलो मैं कमेंट को लेना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है, ब्रो विल प्लेसमेंट ऑफ बोथ द कैंपस टेक प्लेस टुगेदर? हाँ, मणिपाल मेन कैंपस का और बैंगलोर कैंपस का प्लेसमेंट मर्ज होके ही होगा तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन है, इज द फी स्ट्रक्चर सेम फॉर ऑल कैंपस? नहीं, सारे कैंपस का फी स्ट्रक्चर अलग है तुम्हारा। क्वेश्चन है, बैंगलोर कैंपस का लोअर ब्रांच लू या जयपुर कैंपस का सीएससी लू? देखो, इसमें नो डाउट जयपुर कैंपस का सीएससी लो। कॉमेट के कॉलेज वर्सेस मणिपाल ऑल कैंपस, देखो अगर कॉमेट के टॉप के आरवी रमैया ले लोगे तो वो थोड़ा ठीक है, अदरवाइज मणिपाल मेन कैंपस बेस्ट है तुम्हारा। के बाद है, सीएससी इन जयपुर और सीएससी इन बैंगलोर? देखो, इसका आंसर टू पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है। फर्स्ट ये है, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो जयपुर कैंपस को ले लो, क्योंकि डे बाय डे इसका प्लेसमेंट इंप्रूव हो रहा है। अगर तुम प्लेस का एडवांटेज लेना चाहते हो, बैंगलोर का एडवांटेज लेना चाहते हो, तो बैंगलोर कैंपस सही है। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, तो जयपुर कैंपस को लो, क्योंकि बैंगलोर कैंपस के रिगार्डिंग कोई भी डेटा अभी तक नहीं है जिसके बेसिस पे तुम कुछ बोल सको, पर जयपुर कैंपस डे बाय डे ग्रो कर रहा है, इसका प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। तो शायद यहाँ पे सॉल्व तुम्हारा डाउट हो गया होगा। अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो जयपुर कैंपस लो, अगर प्लेस का एडवांटेज लेना चाहते हो तो बैंगलोर कैंपस लो। के बाद है, मणिपाल ईसी वर्सेस बैंगलोर सीएससी? देखो, मणिपाल ईसी भी तुम ले सकते हो, कैंपस को प्रायोरिटी दे रहे हो तो ईसी ले सकते हो। अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे सीजीपीए करते हो तो ब्रांच चेंज कर सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा मणिपाल का लोअर ब्रांच लेना अच्छा है या बैंगलोर का सीएससी को ले लो। उसके बाद है, इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एमआईटी बैंगलोर शुड बी प्रेफर? देखो, एमआईटी बैंगलोर लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ वो भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, और तुम हाँ जयपुर कैंपस को भी तुम दे सकते हो, वो भी अच्छा ही ऑप्शन है। उसके बाद है, प्लेसमेंट कैसा है? इट वर्थ? देखो, प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छा है तुम्हारा, अगर लोअर कॉलेज में रहते हो वहाँ अच्छा फाइट करना पड़ेगा तब तेरे को प्लेसमेंट मिलने का चांस है, बट यहाँ पे इन कैंपस अच्छे अच्छे कंपनी आ रही है, कॉलेज आके थोड़ा सा मेहनत करोगे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या बैंगलोर कैंपस में ईसीई है? हाँ, बैंगलोर कैंपस में ईसीई है। यहाँ पे मैं 10 कमेंट को ले लिया हूँ, अगला वीडियो में मैं 10 कमेंट को लूंगा। थैंक यू।